बोल गजानन महाराज की जय। बाबा स्टार्ट होने वाली है। नूनो का एंटीना ये पूछने का लोटा है। इसको ना इसको बताओ क्या बोलते हैं, ये पूछने का लोटा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 हो रहे हैं, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि उठ जाऊँ, बट उठना तो पड़ेगा। और आज गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है क्योंकि गणपति बप्पा आ रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। गए हैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह, और चींटियों को आटा डालने। आज छोटा भाई भी आया है, आज इसका भी मन बन गया घूमने का सुबह। तो आज सुबह के 7:30 हो गए हैं और मैं नहा के रेडी हो गया और मंदिर हुआया, और जैसे कि तिलक देख सकते हो मंदिर भी हुआया मैं। और अब थोड़ी देर में पूजा होने वाली है गणेश जी की, गणेश जी स्थापना की पूजा। अभी मम्मी पापा मंदिर गए हुए हैं तो अभी आ जाए हूँ, फिर उसके बाद में गणेश जी स्थापना की पूजा होगी, तो मैं आपको दिखाऊँगा गणेश जी की पूजा स्थापना की। हेलो गाइस, तो गणेश जी स्थापना की तैयारी की जा रही है, और जैसे कि आप देख सकते हो गणेश स्थापना की, तो अब पूजा स्टार्ट होगी थोड़ी देर में गणेश स्थापना होने के बाद में। 2:30 पे आएगी लाइट, 2:30 पे लाइट आएगी। मैं तो 1 बजे बता रहा हूँ, 2:30 बता रहा हूँ, 2 बजे आएगी। 2:30 पे तो लाइट आएगी। किसने कहा? पेपर में लिखा हुआ है रामनगर। 2:30 पर आ रही लाइट, तो आज का लाइट गई हुई है। 2:30 तक बैठे रहो आराम से। तो भाई पेपर में लिखा है रामनगर। हाँ रामनगर यही है भाई। 2:30 पे आएगी, 1 बजे का स्टार्ट होने वाली है। जैसे कि पूजा कंप्लीट हो गई है, और अब लगातार 5 दिन तक पूजा होगी गणेश जी की। और अब मुख्य द्वार पर गणेश जी हैं, तो इनकी भी सजावट कर लेते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ बाजार, उसके बाद में फिर लाऊंगा फूलमाला और फिर सिंदूर चढ़ाएंगे और सिंदूर से सजाएंगे। गाइस से चलते हैं फूलमाला लेने, फिर उसके बाद श्रृंगार करते हैं। चलो तो गाइस, जैसे कि मैं फूलमाला ले आया हूँ, और गणेश जी की पूजा हो रही है जैसे कि देख सकते हो आप। गणेश जी की, वो गणेश जी की नहीं बात है। जैसे कि पूजा हो गई है, श्रृंगार भी हो गया गणेश जी का, और हाँ खींच ली ना, देखो जोर से बोलो गणपति बाबा मोरिया, गणपति बाबा महाराज की जय। हेलो गाइस, तो काफी भूख लगी है,
गणेश स्थापना हो गई, सच हो गया। अब नाश्ता कर लेते हैं, सुबह का काफी भूख लग रही है। तो भाई जैसे कि दोपहर के 3:30 बज गए हैं, अब जाके लाइट आई है। पूरे दिन परेशान हो गए आज लाइट से, अब भी ना चल रही, अब तो चल जा भाई, गर्मी से परेशान हो गए पूरा दिन आज। तो भाई आज पूरे दिन गर्मी से परेशान हो गए, अब जाके थोड़ी रात मिली है लाइट से, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ छोटे छोटे बच्चे, हम खुद छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। अभी हम छोटे छोटे से बच्चे हैं, इत्तु से हमारे कहाँ छोटे छोटे बच्चे बगल में। अच्छा लड्डू, हाँ हमारे भी छोटे छोटे भांजे, छोटा भांजा है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, तो सब छोटे छोटे हैं अभी। गर्मी में परेशान हो गए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है बिना पंखे के। अभी मौसम भी ऐसा हो रहा है, कुछ खास सही नहीं है मौसम। लाइट आ रही है जा रही है, बार बार परेशान कर रखा है सुबह से लाइट में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट बिना पंखे के रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी। गर्मी में हालत ख़राब हो रही है। तो मम्मी ले आई है सेब, तो अब सेब खा लेते हैं, भूख भी लग रही है, सुबह बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब कुछ खा लेता हूँ मैं थोड़ी देर, क्योंकि लाइट ने परेशान कर रखा है आज सुबह से। हेलो गाइस, तो शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अब एक घड़ी है इसकी ख़राब पड़ी है, तो इसका ऑपरेशन करने वाला हूँ। तो देखना आप इसका ऑपरेशन कैसे होता है। देख सकते हो मिशन सक्सेसफुल, घड़ी वर्क करने लग गई है जैसे कि देख सकते हो, और मेरी मेहनत काम आई। इतनी देर से लग रहा कामयाबी मिल चुकी है मुझे, घड़ी चल रही है देखो, काफी बाद ऑपरेशन करने के बाद में। भाई जैसे कि देख सकते हो घड़ी पूरी तैयार हो गई है और इट इज़ वर्किंग भी, ये वर्क कर रही है अच्छे से जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तो आगे भी ऐसे ऑपरेशन लाता रहूँगा मैं। तो मेरी और मम्मी जी खाना बना रही हैं, भिंडी की सब्ज़ी बना रही है आज, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी बना रही है मम्मी, बड़ी पेस्ट बनाऊंगी आज, आपको बहुत पसंद आएगी, इतनी अच्छी। और खा के टेस्ट करके लाइक करना, सरप्राइज। मम्मी को सरप्राइज करना। तो मैं वो छत पे आ गया हूँ, नीचे बहुत बोर हो रहा था और फिर लाइट चले गई है आज, पूरे दिन लाइट परेशान कर दिया है। लाइटों ने पूरे दिन परेशान कर दिया। नूनू नूनू की एंटीना खड़ा है, नूनू एंटीना कहाँ से आया? नूनू का एंटीना देख लो गाइस, नूनू का एंटीना। तो गाइस मैं दिखाता हूँ आपको नूनू का एंटीना। तो गाइस आप देख सकते हो नूनू का एंटीना। नूनू का एंटीना, एंटीना गाइस जैसा कि मैंने आपको दिखाया नूनू का एंटीना। तो टावर आ रहे हैं फुल, वीडियो खुल बन रही है। वो दिखे टावर, टावर भी दिखा दो, टावर वो लग रहा है।
वो देखो टावर लग रहा है, टावर लग रहा है गाइस, तो एंटीना फुल आ रहा है इसका, आज ये एंटीना टावर फुल दे रहा है, फुल दे रहा है टावर। नेट चल रहा है नहीं चल रहा, देख ले एंटीने से, जैसे लाइट नहीं आ रही है, आज पूरा दिन हो गया लाइट आ रही जा रही है, अब आ ही नहीं रही है, पता नहीं रात में कब तक लाइट आएगी। तो मैं मंदिर होके आता हूँ, फिर उसके बाद में गणेश जी की पूजा करनी है, तो आज चलिए अंधेरे में ही रहना पड़ता, देखिए आज पूरी रात भर पूछनी का लोटा है, इसको ना, इसको बताओ क्या बोलते हैं, ये पूछने का लोटा है, पूछनी का लोटे की जय, पूछनी के लोटे की जय। भाई हम अब आरती करने वाले हैं, भाई आरती स्टार्ट होने वाली है और अंधेरा हो रहा है बहुत, तो जैसे कि देख सकते हो आप, जय गणेश जय 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 मंगल करण गणपति महाराज की जय, बोल गणपति बाबा, बोल गणपति बाबा, बोल गणपति बाबा, मोरिया मोरिया, बोलो आज के आनंद की जय। गाइस हम जा रहे हैं मार्केट साइड, अंधेरा हो गया है, देख सकते हो आप, भैया गाड़ी चला के, तो रात का टाइम हो रहा है, लाइट हमारी साइड आई नहीं थी, उधर की साइड लाइट आ रही है। तो हेलो गाइस, मैं आया हूँ जोधपुर वाले के, अलवर में जोधपुर वाला बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ की प्याज की कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, जोधपुर वाला जो कि काशीराम पे है बहुत ज़्यादा फेमस है अलवर में, इसकी प्याज कचौरी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गाइस मुझे नहीं लगता वहाँ लाइट आएगी रात में, तो मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगा और अपने व्लॉग को यहीं एंड करूँगा, और मैं घर जाके फिर खाना खाऊंगा और खाना खा के वीडियो एडिटिंग करूंगा, एडिटिंग करने के बाद में अपलोड करके फिर सोऊंगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड बाय बाय।